हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी अपने लाइफ में स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, और मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आप लोग अपने लाइफ में स्वस्थ और खुश हो। तो आप लोग को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, आज मैं बहुत जल्दी उठी हूँ क्योंकि मुझे घर में बहुत सारे काम करने हैं। दीपावली है तो मुझे लाइट भी मुझे ही फिटिंग करना है, क्योंकि मैं सबको बोल चुकी हूँ लगाने के लिए, पर किसी के पास भी टाइम नहीं है। लास्ट तो किसी के पास टाइम नहीं है तार लगाने के लिए, तो मुझे ही लगाने पड़ेंगे अब जल्दी जल्दी। इसलिए मैं घर का काम फटाफट करके हटा रही हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी बाहर में लाइट भी फिटिंग कर सकूँ। तो चलिए, मैं गैस अभी फटाफट पूछ रही हूँ। मेरे काम जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं करने का कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मैं गैस पूछ रही हूँ। तो चलिए, मैं गैस पोछने के बाद आसपास के पक्का जितना है सबको अच्छे से पोछ दे रही हूँ, क्योंकि कहीं भी दाग लगा रहने से अच्छा नहीं लगता है ना। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ दाल चढ़ाने के लिए। इधर मैं दाल चढ़ाने के लिए दे देती हूँ, फिर और दूसरे काम करूँगी, क्योंकि एक काम को मैं अगर पकड़ कर बैठूँगी तो मेरा काम कम्प्लीट नहीं होगा। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, एक काम इधर करती हूँ तो दूसरे काम उधर करती हूँ, ताकि मेरा काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। तो इसके बाद मैं जा रही हूँ कुएँ में पानी लाने के लिए। अभी पानी निकाल लेती हूँ कुएं से, क्योंकि मुझे धोने हैं बर्तन, जिसके लिए मैं आगे पानी रेडी कर ले रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मन में कैसे होगा इतना जल्दी काम सब, क्योंकि पूजा का टाइम है, काम भी बहुत सारा है, कैसे मैं जल्दी जल्दी निपटाऊँ काम को। तो मेरा पानी भी भरा कंप्लीट हो गया, मैं इसको लेके जा रही हूँ। इधर मम्मी योगा कर रही है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में योगा करना बहुत ही अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। और मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ ताकि मेरा काम जल्दी से कंप्लीट हो जाए। इसलिए अब मैं बर्तन को धो रही हूँ अच्छे तौर पर। अब बर्तन धोआ भी मेरा कंप्लीट हो ही गया है, इतना जल्दी काम हो जाए। मैं दाल को उधर चढ़ा देती हूँ होने के लिए, और इधर भात साइड में चढ़ा देती हूँ, ताकि इधर मेरा भात भी होए और उधर मेरा दाल भी होते रहेगा। और उधर मैं भात चढ़ा के अभी काट रही हूँ पेठा। इसको तो हमारे यहाँ पेठा भी बोलते हैं, या जाली कुमरा भी बोल सकते हैं। ये हमारा खुद का गाछ में पड़ता है और बहुत सारे इस बार फले हैं। तो मम्मी बोलिए इसका ही पकौड़े बनाने के लिए। तो हम लोग पकौड़े भी बोलते हैं और तरुआ भी बोलते हैं, या फ्राई भी बोल सकते हैं, आप लोग जो बोलते हैं पता नहीं, पर हम लोग तो यही बोलते हैं। सबको अपना अपना लैंग्वेज में अलग अलग तरीका है बोलने के लिए। तो इसके लिए मैं पहले दाल को मिक्सी में पीस रही हूँ, वो भी जीरे थोड़ा दूंगी और मिर्चा दूंगी और अदरक दूंगी, क्योंकि आज लहसुन का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। पूजा के एक दो दिन हम लोग लहसुन का यूज़ नहीं करते हैं, तो उसी से आज मैं बनाने वाली हूँ। सबको एक साथ ही दे रही हूँ मिक्सी में, अब घुरा के मिक्स हो जाएगा अच्छे तौर पर, तो उसी से मैं बनाऊँगी। तो चलिए, इसको मैं अच्छे तौर पर मिला ले रही हूँ। इधर मेरा दाल और भात दोनों हो चुका है, बस ये बाकी है अब होना, बस जल्दी जल्दी ये हो जाए। इसका गर्मा गर्म बहुत ही अच्छा लगता है भात में खाने की में। तभी तक मैं दाल का छौंका भी लगा दी जब तक मेरा ये हो रहा था। देखिए, मैं सोच ही रही थी कि मेरा काम जल्दी हो जाए, और मम्मी उधर से तिरकोल का पत्ता भी ला के दिया, बोलिए इसका बोरी बनाने के लिए, जो कि मम्मी को बहुत पसंद है खाना, ऐसे बहुत टेस्टी लगते हैं इसका। देखिए, और काम मेरा बढ़ ही गया, कोई बात नहीं।
उधर मैं पानी चढ़ा दी हूँ भैया का बोतल में भरने के लिए, क्योंकि भैया हमेशा गर्म पानी लेके जाते हैं पीने के लिए, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा ही है थोड़ा सा गर्म पानी पीना, थोड़ा सा पानी को गर्म करके पीना। इधर मैं बोतल में भैया के लिए पानी भी भर दे रही हूँ, इधर मेरा तरुआ भी बन रहा है, इधर मैं भैया को खाने के लिए भी दे दे रही हूँ, पानी भरा हो गया, मैं भैया को खाने के लिए दे आती हूँ। इधर मेरा खाना भी होते रहेगा, उधर भैया भी खाते रहेंगे। और फाइनली अब मम्मी के लिए मैं बना रही हूँ मम्मी का मनपसंद पकौड़ा, तिरकोल का पत्ता का। इसको मैं डायरेक्ट ही काटी उटी नहीं, बस धुलाई करके अच्छे से और बेसन में लपेट के मोड़ के बना दी, क्योंकि मम्मी ऐसे ही बोली थी बनाने के लिए। चलिए फाइनली हो गया, अब मैं आ गई जो कि मुझे आज सबसे इम्पोर्टेंट काम था करने के लिए, चारों ओर दीपावली के लिए लाइट लगाना। मैं सबको भैया लोग को बोली पर किसी के पास टाइम ही नहीं है लगाने के लिए, तो फाइनली मैं अकेले ही आ गई। मम्मी को बोली हूँ, मम्मी का तबीयत उतना ठीक नहीं है, फिर भी मैं मम्मी को बोली कि मैं अकेले लगा रही, तो मम्मी बोली मैं आ रही हूँ वरना मैं कहीं गिर उड़ ना जाऊँ। तो अभी मैं फाइनली लगा रही हूँ खुद से, फिर मम्मी आएगी अभी मेरी हेल्प करने के लिए। ऊपर तो मैं लगा ली एक, अब मैं सोच रही हूँ मैं तक कैसे लगाऊँ इसको, कौन सा डिजाइन से इस बार लगाऊँ। मैं टेबल को उधर रख लेती हूँ क्योंकि इस साइड मेरा लगा हुआ हो गया है, अब उस साइड में लाइट को अच्छी तौर पर फिटिंग कर। ये दरवाज़ा भी खुल रहा था, इसको मैं अच्छी तरह लगा दी हूँ ताकि मुझे लाइट लगाने में थोड़ा भी प्रॉब्लम ना आए और अच्छी तौर पर मैं लाइट को फिटिंग कर लूँ। ऊपर में गजाल लगा हुआ था तो उसमें ही मैं फंसा के साइड से लगा दी ताकि कोई डिजाइन बन जाए मेरा। ट्राई कर रही हूँ मैं खुद से ही लगाने के लिए, हो जाए बस अच्छे से। तो मैं सोच रही हूँ किधर से किधर जाके लगाऊँ कि पूरा अच्छे से लगाऊँ। मम्मी भी आ गई हैं हेल्प करने के लिए, अब मैं इस पर उठने वाली हूँ जो कि बहुत ही हिलता है, बस गिर ना जाऊँ। अब मैं दीवार पे चढ़ने वाली हूँ जो कि मुझे बहुत डर लग रहा है चढ़ने में, क्योंकि पतला सा दीवार है ना, कहीं स्लिप खाऊंगी तो गिर भी जा सकती हूँ, इसलिए बस उसमें उठने वाली हूँ डर डर कर, क्योंकि मुझे पूरा राउंड करके चारों तरफ लगाना है ना, इसलिए मैं उठ रही हूँ ट्राई करके। फाइनली उठ के मैं लगा रही हूँ, ये दरवाज़ा खुला हुआ है अभी, बहुत ही हिल रहा है और मुझे डर भी लग रहा है लगाने में, मुझे लग रहा है मैं गिर जाऊँगी जैसे, और हवा भी उतना ही बह रहा है, गिरने से बची मैं अभी, जस्ट थोड़ा सा दरवाज़ा हिल के ऐसे होने ही वाली थी बस यही। चलिए अब मैं इधर दीवार की तरफ आ गई हूँ और उधर मम्मी को तार पेड़ के तरफ से तार मोड़ के दे रही हूँ ताकि मम्मी उधर लगा के फिर मुझे रिटर्न दे, ताकि चारों तरफ अच्छे तौर पर राउंड होके लग जाए। मैं उधर से घुमा घुमा के दे रही हूँ, मम्मी इधर पकड़ के लगा के उधर मुझे फिर से रिटर्न देगी अभी, ताकि घर के ऊपर से पूरा तार ही तार आराम से अच्छे तौर पर लग जाए। ताकि जब रात का समय होगा बहुत सुंदर ही लगेगा, लगेगा ऊपर से पूरा तार ही तार लगा हुआ है, और जब लाइट बढ़ेंगे तब तो और भी खूबसूरत लगने लगेंगे। चलिए मैं भी लगा रही हूँ, मम्मी भी बहुत हेल्प कर रही है मेरी, देख ही सकते हैं आप भी। बस आधा लग ही चुका है, बस थोड़ा सा और बाकी है लगाना। देखिए मैं कहाँ उठी हुई हूँ और पूरे गाछ में अच्छी तरह पर दे रही हूँ, ताकि रात का समय जब गाछ में तार लिपटा हुआ रहेगा तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। गाछ के पत्ते में जब तार हम लोग लपेट के देते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं ना, गाछ के पत्ते के साथ तार भी चमकते हैं। चलिए फाइनली मेरा तार सब जगह लगा हुआ हो गया है, अभी तो हम लोगों ने चेक कर लिया कि लाइट अच्छे तौर पर बढ़ रहा है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अब फाइनली भगवान के मंडप को सजाने के लिए तारों से, कि सब जगह तो लगा दी बाहर में, अब बच गया सिर्फ मेरे भगवान को तार लगाना।
रहे हैं, तो अब मैं इधर भी लगा दे रही हूँ तार। और इसमें पहले से भी तार लगा हुआ है जो हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर लगाए थे, बस उसको अच्छे से तौर पर नमा दे रही हूँ, उतार दे रही हूँ। उसके बाद अब मैं ये तार लगाऊंगी नया वाला। ये काफ़ी छोटा है इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये इसमें फिट हो जाएगा अच्छे तौर पर, तो मैं इसलिए इस तार को यूज़ कर रही हूँ लगाने के लिए। इसमें आगे से बहुत सारे ब्लैक टिप्स से मैंने सटाए हैं ना, सब उसको सबको हटा दे रही हूँ। अब मैं फाइनली नया तार को लगा रही हूँ। ये मम्मी दुब भी दी है पूजा के लिए मुझे। मैं ब्लैक टिप काट रही हूँ इसको अच्छे तौर पर एडजस्ट करने के लिए, हटाने के लिए। एकदम सब जगह मार दे रही हूँ, फिटिंग कर रही हूँ अच्छे से तार को। ये मेरा हो ही गया है, थोड़ा सा और बाकी है भगवान जी को भी सजाने के लिए। फाइनली अंदर भी मैं लगा दी हूँ, बाहर भी लगा दी हूँ। बस थोड़ा सा बाकी है। चलिए मेरा लगाना कंप्लीट भी हो गया। अब मिलती हूँ आपको शाम के टाइम में नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।